शहडोल जिले के जेतपुर थाना क्षेत्र में रात में खाने के साथ मठा पीकर सोए एक ही परिवार के 6 सदस्यों की हालत बिगड़ने लगी, जिन्हें उपचार के लिए जेतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां सुबह 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं परिवार के अन्य 5 सदस्यों की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। जेतपुर थाना क्षेत्र के गोठी ताल में रहने वाले एक ही परिवार के 6 सदस्य, जिसमें 6 वर्षीय बच्चा लोकेश पांडू, राजेश, उदयभान, धनराज, अखिलेश सहित सुंदरी ने रात में खाने के साथ मठे का सेवन किया और सो गए, जिसके कुछ देर बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेतपुर ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी हुआ। इस दौरान सुबह 6 वर्षीय पांडू की मौत हो गई। इस दौरान परिवार के अन्य लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। माठा लेके अहरिनिया 4 बजे आई खनिहार ते हम आए तो देखम तो सब को परे रह घर में ताकि पूछ मुको का भाया तो कहा माठा पी है। वह माठा पी के आड़ हो गए, रात सबको उल्टी दस्त हो लागे। फिर जो है 7 बजे रात में लगाओ फोन 108 गाड़ी तो कहे नहीं अब जो हाँ गलिया गाड़ी अंतिम फंसे आज के लिए नहीं है, कहते जैतपुर तक आओ। तो दुपहिया से जैतपुर तक 3 खेप ढूंढाए जैतपुर में आ के फिर यहाँ 7 बजे अक्सर लड़का ख़त्म हो गया और 6 जन के लड़के आओ मझिला लड़के उन्हीं चले गए, 4-5 जन के लड़के यहाँ आए। एक जन जो मोर घर वाले हैं, एक जन के लगा मोर पिता सीरी है, तो दो जन लगे मैं हूँ। जो खत्म भाई वो को है वह छोट लड़का है, छोट भाई के है लोकेश नाव के। जैतपुर थाने के कोठाताल गांव से 2 बच्चे और माता पिता उनके भर्ती हैं, और उन्हें उनकी हिस्ट्री जो थी जैसा चिकित्सकों ने बताया कि कुछ दही माटा खाने की हिस्ट्री थी और उसके कारण उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई है। वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है और वो सब खतरे से बाहर है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।